सीसीटीवी न्यूज, कानून की बालादस्ती, हक और सच की आवाज, पुलिस चैनल, आइए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम्स चेयरमैन राजा शफकत अली तारा मुखातिब हूँ। आप सबको शब मेराज की मुबारक हो और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले, जो सियासतदानों ने हमारे पाकिस्तान को मुश्किल में डाला हुआ है। तमाम सियासी जमातों से अपील करूंगा कि मुतहद होकर पाकिस्तान बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान को सियासत की नहीं रियासत की ज़रूरत है। रियासत होगी तो आप सियासत भी कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो टाइम अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का लिखा होता है वो उतना ही होता है, उसे मज़ीद एक्सटेंड करने की कोशिश में मुल्क के हालात ख़राब ना करें। जो फेयर असम्बली का सिस्टम है उसे करें और पाकिस्तान की तरक्की में वो भी अहम रोल अदा करें। तमाम सियासी पार्टियां, ख़ास तौर पे पीपल पार्टी, नवाज शरीफ साहब, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम फे और जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनसे गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, उससे खाना जंगी से बचाएं। पाकिस्तान बहुत मुश्किल तरीन हालात में है। पिछले 4 साल से जो कोरोना का हवाला रहा, फिर सियासत में महंगाई का जो मसला है, इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। आज बड़ी रात है, शब मेराज है, मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए सब दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। हमारे पाकिस्तान के लिए पाक फौज, ISI, MI, रेंजर्स, पुलिस, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ी बरदरी और बेशुमार NGOs ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में अमन कैम किया है। हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है, ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बना है। इस पाकिस्तान की कदर करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए PCTV न्यूज, हक सच की आवाज़, आपका अपना चैनल, पुलिस चैनल।